सो गाइस, अभी मेरे सामने है साउंड बोस का म्यूज़िक सिस्टम जो कि मैंने अपने जिन के लिए मंगवाया है, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो कुछ 1300 के आसपास मैंने इसका पे किया है, और इसका जो मैंने रिव्यू देखा था ऑनलाइन वो भी अच्छा ही था। तो करते हैं इसको फटाफट अनबॉक्स और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे रहने वाली है और अंदर में इसके साथ क्या क्या हमें मिलता है। तो उसके लिए चाहिए मुझे ये सीज़र। तो मैंने इसका बाहर का जो बॉक्स है उसको ओपन कर लिया है, और अंदर में हमें मिलता है साउंड बोस ब्रांडिंग का बॉक्स, और कुछ इसका जो लुक है कुछ ऐसा है। और इसमें मॉडल नंबर लिखा है, कलर ब्लैक, प्राइस जो लिखा है 2999 का, लेकिन इसको मैंने सिर्फ 1300 में परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, और कोई सील नहीं है यहाँ पे। ये ओपन हो चुका है और अभी इसको हम निकालते हैं फटाफट बाहर, और अंदर जो पैकेजिंग है वो कुछ साइड से सपोर्ट दिया हुआ है। और ये रहा हमारा म्यूज़िक सिस्टम, इसको हम पहले साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो अगेन ये साउंड बोस का थैंक यू कार्ड, और कुछ है इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, ओके, ये वारंटी के लिए। और जो साथ में मिलता है दो कपलर और एक रिमोट। तो सबसे पहले हम इसको साइड में कर देते हैं, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर है तो उसको हम पहले हटा देते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी दिखती है बिना प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक से तो के ऊपर से तो अच्छी दिख रही है, लेकिन जो इसका एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी होगा और जो मतलब इसका जो फिट एंड फिनिश है वो ये प्लास्टिक हटाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है। इसका जो रैपर है मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे दिया है एक रेड कलर का स्टिकर जिसमें लिखा है साउंड बोस की ब्रांडिंग है, एंड दिस प्रोडक्ट हैव नॉट वारंटी, इफ नॉट वर्किंग आफ्टर परचेस वारंटी क्लेम कैन बी एक्सेप्टेड इन द केस इफ दिस लेबल इज डैमेज और रिमूव्ड। सो बेसिकली अगर ये स्टिकर यहाँ से हटा दिया तो इसका वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिसका वायरिंग है वह कैसे करना है, और तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी उतनी खास नहीं है, मतलब ओके है, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। यहाँ पे जो हमें मिल जाता है, यहाँ पे दो USB पोर्ट मिल जाता है, एक ऑक्स केबल, यहाँ पे माइक रिसीवर है, और यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं, ये वॉल्यूम बटन है और इक्विलाइजर और बेस सेटिंग के लिए। तो इसके साथ दो कपलर आते हैं, ये पावर केबल है, मतलब ये कपलर जो है ये पावर के लिए है, इसमें चार वायर दिए हुए हैं, और ये दूसरा वाला स्पीकर के लिए जिसमें चार स्पीकर के लिए वायर निकले हुए हैं। तो इसको हम करते हैं फटाफट अपने कार में इंस्टॉल और देखते हैं इसका जो साउंड क्वालिटी कैसा रहने वाला है, और चलते हैं कार में और करते हैं इसको इंस्टॉल। तो गाइस, अभी हूँ मैं कार में, अभी पुराना पायनियर का इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, तो पहले मैं इसको निकालूंगा उसके बाद इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो उसके लिए मेरे को ये नीचे चार दो सामने स्क्रू हैं, दो नीचे स्क्रू हैं, उनको पहले खोलना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो फटाफट इसको निकालते हैं, फिर देखते हैं इसका वायरिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करते हैं। तो म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो फटाफट इसमें करते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट और देखते हैं इसका म्यूज़िक सिस्टम का आउटपुट कैसा है और स्पीकर का भी क्वालिटी कैसा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था स्पीकर का, लेकिन उसमें साउंड का मैंने नहीं डाला था। तो अभी साउंड भी चेक करेंगे, देखेंगे स्पीकर का साउंड कैसा निकल के आता है बाहर। And I can't find
तो गाइस जो साउंड क्वालिटी है स्पीकर की बहुत अच्छी है और ये जो प्लेयर है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब जो इसमें जो आउटपुट निकल रहा है बहुत ही क्लियर है। मतलब मैंने फुल वॉल्यूम पे भी बजाया तो जो इसका साउंड था बहुत ही क्लियर था, तो मुझे तो पसंद आया। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।